जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतानो नमो सिद्धानो नमो आरिहानो नमो वज्रायानो नमो लोये सर्वसाहूर्ण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भक्तों मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जयं जयतु सदा। थोड़ी सूक्ष्मता से बात करेंगे, थोड़ी सी समझना इसको, बाद में इसमें से बात आएंगे। दो तीन पॉइंट खास कहने वो समझो। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। क्या बोला? जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। ये महा सिद्धांत है। मतलब जैसा कारण होता है, दृष्टांत दे रहे हैं। विश्व का ऐसे कोई बालक का नाम बताओ जो फेल होना चाहता हो। विश्व में ऐसा कोई बालक बताओ जो फेल होना चाहता है। कोई ऐसा है? कोई ऐसा फेल होना चाहता है? चलो फेल का छोड़ो, ऐसे लड़के का नाम बताओ जो बदनाम होना चाहता है। बताओ ऐसे लड़के का नाम बताओ जो खेल में हारना चाहता है। तीन दृष्टांत दे दी, लेकिन फेल होते हैं। अभ्यास होता है, अभ्यास होता है, निंदा होती है, हार जाता है खेल में। क्यों? जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। विश्व में कोई बच्चे से पूछा जाए, पूरे वर्ल्ड के बच्चे से, हाथ खड़ा करो किसे फेल होना है। इसके बावजूद फेल होते हैं। क्यों? पढ़ाई नहीं करना ये फेल होने का कारण है। ऐसे ही विश्व में सारे जीव सुखी होना चाहते हैं। एक भी व्यक्ति हाथ खड़े करके नहीं कहेगा मैं दुखी होना चाहता हूँ, लेकिन दुखी हो रहे हैं। 99% जीव दुखी हो रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब भुगत रहे गए, भुगत रहे। क्या कारण? जैसा ही कार्य होता है। आप सब ऐसा कहते हैं, हमारी तो बहुत भावना है परिणाम नहीं बिगड़े, हमारी तो बहुत भावना है, हम तो बिल्कुल भिखारी भाव नहीं करें, हमारी तो बहुत इच्छा है पंडित जी एक सेकंड भी परिणाम खराब ना हो। लेकिन इस कहने से काम नहीं चलेगा। भावना से यदि मोक्ष हो रहा होता तो अभी तो सब मोक्ष चले जाते। इच्छाओं से, विकल्पों से, भावनाओं से, चाहना से यदि मोक्ष हो रहा होता तो एक भी जीव संसार में नहीं रहता, सब चले जाते। सिद्धांत याद रखना, मैं शुरुआती गंभीरता से करी। कारण जैसा कार्य होता है। सारे व्यक्ति सोच रहे हैं हमारा दूध मीठा हो जाए, लेकिन दूध मीठा हो कैसे जाए? तो दूध कैसा होगा फिर? कि नमक डालोगे तो खारा होगा, गुड़ डालोगे तो उसकी मिठास अलग होगी, शक्कर डालो तो उसकी मिठास अलग होगी, आटा डाल दो तो दूध और अलग प्रकार का टेस्ट हो जाएगा। हाँ, जो डालोगे वैसा होगा। कारण जैसा ही कार्य होता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, तुम कार्य की भावना मत भाव, कारण की भावना भाव। कार्य की भावना भाना मिथ्या दृष्टि है और कारण की भावना भाना सम्यक दृष्टि है। इसलिए लिखा है कारण दृष्टि से सम्यक दृष्टि और कार्य दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। कार्य को पर्याय भी कहते हैं, इसलिए पज्जे मूढ़ा ही पर समया। कार्य को पर्याय भी कहते तो पज्जे मूढ़ा पर समया होगा, नहीं तो बता दो। हम नित्य दृष्टांत दिए, कौन चाहता है अभ्यास हो?
लेकिन जो लड़का दिन रात लड़कियों के चक्कर में पड़ा हो, मोबाइल के चक्कर में पड़ा हो, गंदे गंदे काम कर रहा है, तो वो अभ्यास होगा ही ना एक दिन उसका। डाकू डकैती करता है तो कारण क्या कर रहा है, डकैती डाल रहा है। और भावना क्या भावना, एक दिन भी ना पकड़ा जाऊं, पुलिस नहीं पकड़े, हे भगवान तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, जैसे अब तक हमारे ऊपर छत्र छाया बनाए रखी, ऐसे बनाए रखना, भगवान क्या करेंगे जाने, जब तुम डकैती ढाले रहे हो तो भगवान क्या करेंगे जाने, तैयार रहो, एक दिन अरेस्ट हो जाओगे, एक दिन फांसी लग जाएगी, एक दिन ऐसे जो खोटे विचार आए और खोटी प्रवृत्ति हो तो तैयार रहो, एक दिन पकड़े जाओगे, एक दिन इंसल्ट होगी। लेकिन मोहिनी की एक विशेषता है, पढ़ाई थी आज मोहिनी की विशेषता, मोहिनी की एक विशेषता है, वो कभी आंखों से और दिमाग से शिक्षा ग्रहण नहीं करती, कान से शिक्षा ग्रहण नहीं करती। मोह की बड़ी खतरनाक चाल है, फिर से बोल रहा हूं, मोह देख करके भी नहीं समझता, सुन करके भी नहीं समझता, नहीं समझता, इतनी खतरनाक हालत है। एक घटना सच्ची है, कलकत्ता में एक बच्चे की पिटाई हो रही थी, बहुत जम के पिटाई हो रही थी, होटल वाले से पीट रहे थे, भीड़ लग गई, तो ईश्वरचंद विद्यासागर, फेमस नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर, वे वहां से निकल रहे थे, तो वहां आए, वो बच्चे को पिटते हुए देखकर बड़ी दया आई, उन्होंने कहा हटो हटो क्या बात है, उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम इतना पिट रहे हो और इतनी इंसल्ट हो रही, तुम्हें अच्छा लगता है, काय के लिए रोटी की चोरी करी, रोटी चुराई थी उसने, होटल में से रोटी चुराई थी और पकड़ा गया, तो पिट रहा था, होटल वाले मार रहे थे उसको, तो उसने जो बा के कहा ना, वो हिला देने वाला है कि मैं देह की पिटाई तो सहन कर सकता हूं, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता, मैंने उसे पिटते समय भी इस बात की तकलीफ नहीं थी मैं पिट रहा हूं, वो कह रहा मैं इस पिटाई को तो सह लूंगा, लेकिन मेरी जो भूख लग रही ना, वो रोटी की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दृष्टांत दिया, ऐसे ही कसायों की पीड़ा, वासना की पीड़ा, विकारों की पीड़ा, ये बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारी आंखों के देखते देखते, आप अखबार उठा के देख लो, अखबार कितने कठोर कानून बन गए 2013 के बाद से, 2013 के बाद से कितने कठोर कानून बन गए, सजाएं एक साल की 5 साल हो गई, 2 साल की 7 साल हो गई, 3 साल की 10 साल हो गई, 10 साल की 20 साल हो गई, और अब फांसी तक की सजा हो गई, इसके बावजूद घटनाएं नहीं रुक रही, क्या मोह आंखों से नहीं सीखता, मोह कान से नहीं सीखता, मोह को समझ में ही नहीं आती, मोह के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए एक शब्द है मोहांधकार। अभी हमने तुमसे क्या कहा था? बेटे तुम्हें लग रहा है तुम, हमें तो लग रहा है मर जाओ, हमें मालूम वहां क्या से भयानक स्थिति है, तुम्हारी हमारी बात नहीं, ये मोह का स्वरूप ही ऐसा है, मोह के विश्व, आपको पता है मोह के मंद होने के स्थान केवल गुरुचरण है, बाकी कहीं है ही नहीं, मोह के मंद होने का स्थान केवल गुरुचरण है, ये जिनेन्द्र देव के सामने तक धोखा दे देता है, क्योंकि वह प्रतिमा है ना, वह क्या करे, प्रतिमा क्या कर लेगी, प्रतिमा क्या कर लेगी, आप कुछ भी कह दो, गुरु के सामने कहोगे तो छक्के छूटेंगे, रोम रोम कहां पे रहा, एक ही मोह की विशेषता है, बहुत खतरनाक विशेषता है, यदि ये विशेषता नहीं होती तो अपन बहुत जल्दी काम हो जाता सबका। हाँ हाँ हाँ, आप देखो प्रत्यक्ष, मैंने पहली बार देखा था जब वो एक तहलका.com नाम सुना, तहलका.com बहुत शुरू में एक तहलका, मैंने उसमें पहली बार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे ग्वालियर में संसद के कांड में के चक्कर संसद में, उस दिन हमें लगा था कि अब शायद ही कोई रिश्वत लेगा, उससे लेकर अभी तक हजारों क्लिप आ गई रिश्वत की, गलत कामों की, कुशील की, हजारों आ गई बॉस पे इस पर, लेकिन हमारे विदिशा के क्या है राघव जी भाई, इतना जेंटल आदमी, इतना नीट एंड क्लीन आदमी, मैंने हमारे विदिशा में उसकी इतनी सी बुराई नहीं, इतनी सी भी कोई जे भी नहीं कह सकता कि किसी को आंख उठा के भी देखता, इतना सज्जन माना जाने वाला आदमी,
और आखिरकार किले में फंस गए। लोग में कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हमें तो भगवान के घर तो नहीं कह रहे, लेकिन कर्मों में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। अच्छा हो कि मोह को शांत कर दो, मोह को मंद करो, मोह को कब्जे में रखो, कंट्रोल में रखो। तो एक बात ये कहना थी, तुम चाहे जितनी भावना भाव मोह जाने की, लेकिन यदि कारण नहीं होगा तो कारण नहीं होगा। पास होने की भावना करने से काम नहीं चलेगा। पास होने का कारण मतलब पुरुषार्थ, पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई करो। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैंने बचने का ही उपाय एक उपाय है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। और यदि अपनी बुद्धि काम नहीं करे तो पक्की बात है नहीं करेगी। हमने वेली कहा मोह में अकेले में बुद्धि काम नहीं करेगी। सुबह कहा था मोह एक ऐसा फोड़ा है जो खुद नहीं फोड़ सकते आप, वो गुरु ही फोड़ेगा और कोई नहीं फोड़ सकता। पंडित साहब ने भी एक बात कही अमाइन में, यदि हमारी बुद्धि काम नहीं करे तो अपने बुद्धि से काम लेना बंद कर दो, बुद्धि मानो की सुनो और मानो। क्या बोला? बुद्धि मानो की सुनो और मानो, तुम मोक्ष से ले जाओगे। अपनी डेढ़ अकल मत लगा बस। एक तो ये बात कहना थी, अब दूसरी बात कहना है। दूसरी बात, जो भी कसाय तुम्हें उत्पन्न हुई ना, वो तुमने चाही है। वो जो विकार हो रहे ना, अपने आप ही नहीं हुए, विकार आपके डिजायर पर मिले हो, आपने चाहे हैं, अनवांटेड नहीं मिलते। जितनी कसाएं और कर्म हुए हैं वे तुम्हारी ऑन डिमांड है वे। अब इसे समझाने के लिए थोड़े सरल दृष्टांत देता हूं, ताकि हमारे बच्चों का भी मन लग जाएगा, है ना, परमेश्वर का भी लगेगा जी क्या नाम है इसका श्रेष्ठ। अब जिन इनसे बातें नहीं कर रहे इसलिए बेचारे देख ही नहीं पा रहे हैं। श्रेष्ठ हमारे और देखो बेटा, है ध्यान से सुना, सरल दृष्टांत। तुम कौआ बनना चाहते हो, कौआ नहीं बनना चाहते। कुत्ता नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते। बंदर नहीं बनना चाहते, नहीं पक्का। सांप, चौरासी लाख योनि में क्या बनना चाहते तुम बताओ, क्या बनना चाहते? अब कोई कुछ नहीं कह रहा। अब दो तरह से, एक तो कारण है तो कार्य होगा। यदि बात बात में तुम सांप जैसे फुफका रहे, हे चुप 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 जय राधिका देख, अच्छा तुम बात बात में सांप जैसे फुफका रहे, तो एक काम करो, नकली सांप काग बनो, असली बन जा। कौआ नहीं बनना चाहते? इधर देखो, क्यों तुम्हें तोता अच्छा लगता है कि कौआ? दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? तोता अच्छा लगता है कि कौआ अच्छा लगता है? तोता, अभी तोता बनेगा कि जो अच्छा लगता है वो बनेगा जी, कह रहे जो अच्छा लगेगा वो बनोगे। मैंने सच कहता हूँ, इसमें बहुत मेहनत की है। मैं आपको प्रयोजन तो बहुत समझ लो जीवन भर का निचोड़ दे रहा हूँ, एक घंटे के अंदर बहुत मेहनत की है। ऑन डिमांड मिलती 84 लाख योनि, बिना के तो नहीं मिलती। तो बहुत कारण विचार करो, तुम्हें क्या लगता है स्त्री नहीं बनना चाहते? आप में कौन कौन स्त्री नहीं बनना चाहते? कोई नहीं बनना चाहता, पक्की बात है कि नहीं? बनना चाहते हो, बनना चाहते हो जी, कह रहा हूं बनना चाहते हो। कैसे? देखो, जब महिलाएं आराम से दिखाई देती ना घर में, तुम परेशान होते सड़कों पर, और ये आराम से पंखा की हवा में आराम से खा रहे, बना रहे, सो रहे, टीवी देख रहे, मजे में रहे, और फिर मजे मजे इनके ऐसा, तो तुम्हें क्या लगता है इनके मजे, इनके मजे? तुम्हें क्या है, बस चार रोटी बनाई, अपने खाओ पियो आराम करो, और हम जाने सड़क पर क्या हालत हो रही है हमारी। आपको पता है, आपको जी अच्छे लग रहे हैं, जैसे अभी तोता अच्छा लगने का था, यहाँ से तुम्हें जी अच्छे लगते हैं, भाग्यशाली लगते हैं, इन्हें कमाना नहीं पड़ता, आराम से घर के मजे कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना आराम, आपको लग रहा है मजा? तुम्हारे भाग्य है, मजा करो भैया, तो ठीक है। तथास्तु, अच्छा इतना सरल काम है। महिलाओं को भी लगता है, महिलाओं को भी लगता है, जो पुरुष जब चला रहे थे अपनी, हम तो दबी दबी रहे 24 घंटा, ये तो आंख है तो झट आंखे दिखा, आंखे तरी रहते हैं, जैसे जब चिल्ला चौट, यानी क्या समझा था अपने आपको? सही बात है, औरत ज्यादा खराब है भैया, अपन आदमी होते तो अच्छी रहती,
मतलब इनको ऐसा लगता है कि हमें बहुत परेशानी है, सुबह 6 बजे से उठ जाओ, 5 बजे से और रात के 12 बजे सो, तो भी सब दांत ही करत, दांत ही समझते हो, कोई यश नहीं मिलता, कोई इज्जत नहीं करता, मेरे मोड़ मोड़ी जान खा देते, सांस प्राण खा देते, पति देवता भी आंख दिखा, अब जाए तो जाए कहा, बेचारी मजबूरी में एक गाना गाते हैं कि क्या, कौन सा गाना गाती हूँ, मजबूरी में गा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़े कहा करे औरत जात ऐसी हालत मैं जी इससे परेशान, तो भाई सोचते आदमी बन जाए तो मजा करेंगे, आदमी है क्या 8 घंटे कमाना और करना क्या है, बाकी तो दादागिरी है पूरी तो इनको ऐसा लगता था जी ये भी ये कर्म मांग रहे, तो मेरे पढ़ाई कौन को अच्छी नहीं लगती, ईमानदारी से बोलना पढ़ाई अच्छी कौन को नहीं लगती, सबको अच्छी लगती, ऐसा नहीं कोई कोई बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती, उन्हें क्या लगता है पता है, आकाश में देखते हैं, अरे यार कौवा होते तो मजा आ जाता, हवाई जहाज जैसा मजा आता, कौवा बन जाती तो बन, न तो पेट्रोल डलवाना पड़ता, न टिकट लेना पड़ता, लव पंख उड़ाओ उड़ जाओ, कौवा को न खेती करने न बीज बोने न फसल काटने, कितना भाग्य है कौओं का, और न पढ़ने लिखने कितना मजे, कौवे के मजे देखे तुमने, बस फ्लाई एंड ईट देन अगेन फ्लाई, कितना बढ़िया नहीं, कितने मजे, एक अक्षर नहीं पढ़ना, आप जो बच्चों कई बार ऐसा लगता है पढ़ाई के नाम पर मजे हैं तुम्हारे, ठीक है तथास्तु पहुंचे मैंने घटाए हैं आपको, ऐसे कितने घटा के दिखा सकता हूँ आपको, 84 लाख योनियों में घटते, ये बच्चे लोग सोचते हैं, आप बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग बच्चों के मजे कितने बढ़िया, भोले भाले, संसार का कोई दुख नहीं, गरीबी का कोई दुख नहीं, मम्मी जाने पापा जाने, इन्हें तो अपने अपने आराम से खाओ पियो हंसो खेलो बस, बिल्कुल निर्भर बचपन, तो तुम्हें लगता है जी मजे, इन्हें लगता है सब हमें पेरा से जोते बजे, ये बड़े लोग कोई कुछ नहीं कहता था, हम कब बड़े हुए, बड़े होने की कामना करते रहे, निरानंद कर रहे हैं 24 घंटे, ये कह रहे हैं हम, हजारों लाखों दृष्टांत इसके लिए अभी समझाने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं इतना लंबा चौड़ा कह करके, कभी सच फिर से सुनो, एक गायक के सिवा कहीं सुख नहीं है, एक आत्मा को जाने बिना सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोलो ये पत्नी तेज होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए, तो सुखी होने के लिए पत्नी सीधी होनी चाहिए तेज होनी चाहिए, जल्दी बोलो नहीं अब है जैसे पूछ रहे, होने चाहिए कब, अब नहीं होना चाहिए वह तो मोक्ष जाओ जब की बात है, अब संसार में हो तो सुखी होने के लिए कैसी चाहिए, तो दो ही प्राणी दुखी हैं, जिनकी सीधी है वे भी दुखी हैं, क्योंकि इतनी सीधी है कि हर कोई ठग ले जाते अब सीधी वाले भी परेशान है, और जो तेज है वहां भी इसलिए परेशान है, एक एक चुटकुला क्या हमने, क्यों तुमने उस लड़की शादी क्यों नहीं की, अरे बोले LLB में टॉप किया उसने, नहीं समझ में आया कभी नहीं समझ में आया, LLB में टॉप नहीं समझ में आया, इसका मतलब टॉप करने वाले से अपन जीत नहीं पाएंगे, अपन ही हारेंगे, जब देखो जब वो बकालत करने में बहुत तेज है, मैंने दृष्टांत की बात, मैंने तेज में भी परेशानी है, सीधी हो तो ही परेशानी है, अनपढ़ हो तो परेशानी है, बच्चों का होमवर्क नहीं करा सकती, और ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो अंग्रेजी फर्राटे से बोले तो तुम्हारी अंग्रेजी दब जाए बढ़िया पर है कहीं शांति नहीं हम तो ये कहना चाह रहे सुख नहीं है, नहीं है बाहर सुख नहीं, कल्पना मत करा, तुम्हें पंडित शादी देखो जीवन निर्वाह करना हो तो शादी कर ले, लेकिन सुखी होने के लिए शादी मत करो, जी कह रहे हैं क्या काम है, सुखी होने के लिए शादी मत करो, जीवन निर्वाह करना हो, माता पिता की सेवा करना हो, संतति चलाना हो, परिवार आगे बढ़ाना हो, तुम्हें अपने घर बसिया संपत्ति सौंपना हो,
कर ले शादी, कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है, शादी कोई अपराध नहीं है, लेकिन तुम सुखी होने के नाम पे शादी कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो पंडित जी दुखी हो गए शादी को करे, हम नहीं कह रहे दुखी होने के लिए करो, लेकिन सुखी होने के लिए तो नहीं करो कम से कम। पंडित साहब की रचना है, होने कोई सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप, कैसी कैसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पे पुराण, इतिहास पुराण भरे पड़े हैं, पढ़कर सुनकर नहीं समझता, यही एक आश्चर्य महान। अरे उपास नहीं कर रहे यथार्थ है। तो एक ये मुर्गत जो प्रकरण 84 लाख योनी मांगने पर मिलती है, ऐसे ही अब यहाँ कसाय में घटाना है। चारित मोहिनी में, चारित मोहिनी की भेद बोलो बेटी, चारित मोहिनी में वैसे तो यूं ले लो, चार कसाय भी ले लो, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, इन हो गए, और चार कसाय वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको समझना। तुम चाहते हो तो होती है जे, अब हमें सूक्ष्म कर दिया हमने, तुम चाहते हो ही कसाएं, ऐसे परिणाम हुए हमारे है, मैं हो तो निपटा दे, तो तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं 12 बजे तो। मैंने तुम क्या कर रहे हो, आपको पता है पिक्चर देखते समय, पिक्चर टेलीविजन पिक्चर देखते समय आप निदान बंद नहीं करते, इसकी जगह मैं होता तो इसकी मैं ऐसा ऐसी शराब पी, मैं भी डांस करता ऐसे करता। अभी क्या कहें आपको, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अभी ये दूसरों के दर्श देख देख करके कामना करते हैं, बहुत सिंपल सी बात। एक दिन हमारी शादी होगी, ऐसी बैंड वाले लाएंगे, अब अभी से निदान मान लिया, अभी से कर्म बांध, अरे ये मैं तो तलाक दे दूंगा ऐसी पत्नी होगी तो, मैं दूसरों की घटना समझ पहले ही इधर कर्म बांध रहा है, ऐसी मेरी पत्नी ने 3-5 करी तो तलाक दे दूंगा, मैंने 24 घंटा कर्म बांध रहा है जी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरी बस की नहीं है। आत्महत्या भी एक दिन में नहीं हो जाती, आत्महत्या वाला पहले कई बार सोच जाता है भैया यहाँ से तो मर जाए तो अच्छे। आपने देखा कितनी महिलाएं पुरुष कई बार यहाँ से बात बोलती है, गुस्सा हो दूसरों के प्रकरण सुन के, अपने प्रकरण सुन के दूसरों के से, भैया हम तो मर जाए, लेकिन समझ गए क्या कह रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम सोल्व करो, हम मर नहीं जाएंगे। हम मेरे को भी ऐसे विचार आए थे, लेकिन फिर इसके बाद नहीं आई जिंदगी में, क्यों, मैंने उसे सोल्व कर लिया, उसी को कक्षा 6 में सोल्व कर लिया, कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, उस दिन ऐसा लग रहा था घर से भाग जाओ कि मर जाए क्या करें, बहुत बहुत जम के तकलीफ हो गई। तो मैं सोच रहा था ऐसा, तो उसी समय बहुत गहरे विचार चले, पाठशाला प्रवचन का प्रभाव बता रहा हूँ उस जमाने में। तो मैं अंदर अंदर यही सोच रहा था कि मैं आत्महत्या क्यों करूं, जाने कितने जन्मों में तो पुण्य बांध के मनुष्य मिला, देवसास गुरु मिले, यदि सारा जगत परेशान करेगा तो सारा जगत छोड़ दूंगा, माता पिता से परेशान होगा तो उन्हें छोड़ दूंगा, उस समय तो मालूम नहीं था ना ब्रह्मचर्य का, पत्नी से परेशान हो तो उसे छोड़ देंगे, तो हम आत्महत्या किसी कीमत पर नहीं करते, मैंने हम जिनसे परेशान है उन्हें छोड़ेंगे, अब जिनसे परेशान है अब यहाँ लगाओ मोह राग द्वेष शरीर, इनसे हम परेशान है तो हम इनकी दृष्टि छोड़ देंगे, लेकिन अपना जीवन नहीं छोड़ेंगे, हम सुखी होने का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। सोच लिया हमने, समाज हैरान करेगी हम समाज छोड़ देंगे, दुनिया हैरान करेगी दुनिया छोड़ देंगे, जंगल में चले जाएंगे, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूं ये बात, इस सुन सुन के जो देखते हैं ना दूसरों की घटना, तो निदान बंद होता है, ऐसे तो मर जाए तो अच्छे, काय को मर जाए, क्यों मरे, ऐसा सोचे भी क्यों। बाबूजी की पूजा में लिखा बढ़िया, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। अब नहीं बनता हमें, हाँ उस अमर तत्व को देखेंगे जिसमें मरण नहीं, उस अमर तत्व का अनुभव करेंगे मरेंगे नहीं। हम तन कारण मिथ्या दियो तज क्यों कर दे है धरेंगे अब हम अमर भय ना मरेंगे।
तो एक चीज ध्यान रखना, जो आप चाहते वो होगा। कई बच्चे इसलिए दुखी होते हैं, मैं समझा रहा हूं जी, बहुत अच्छे से हंस रहे, हम हंस ही नहीं पाते। कई बार कोई हंस नहीं पाते, हंसने की भी स्टाइल है। कई लोग तो बड़े सहजता हंसते, कोई हंसते हैं तो उन्हें पता है, उन्हीं को लगता है हम हंस नहीं पाते, तो कहो रुमाल में मुंह दबा के हंसेंगे, हंस ही नहीं पाते, हरे से हम क्या हंसा। तो ऐसे ही भावने वाले जी अच्छी हाथ है, ऐसे हंसने कर्म बांध लिया, अब हाथ से कसाय हो गए। जो उदास रहते हैं ना, बहुत हंसने की कामना करते हैं, तो बात बात में हंसते। मैंने एक भाई ऐसे मैंने डांट भी पड़ रही ना उनकी, इंसल्ट हो रही तो भी बात है, वो कह रहे हम क्या करें, हमें हंसी यार। तो उनको देख के गुस्सा और बढ़ जाती है, कहा कि जैसा क्यों क्या कर रहे हो, अब हजार लगी और आग लग जाती है तो और गुस्सा आती है। कई लोगों शोक संतप्त रहने की आदत होती है, शोक दुखी दुखी, अच्छा भी माहौल चल रहा हो ना, उन्हें वही वैसे ही विचार आते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी वही होती है, तो वे उदास ही बने रहते हैं। जैसे हम तो कह रहे तुम तो तीन लोग के पवित्र भगवान आत्मा हो, ले जाओ, और इतनी अच्छी बात कह रहे, सुनो भाई तुम चाहो तो दो चार भाव में मोक्ष चले जाओ, अरे सम्यक दर्शन छुटकियों का गेम है, अभी ले लो, हो यहाँ से हो जाते तो हो ही जाते सब। एक सेकंड में जिनकी दुखी होने की कसाय चलती है ना, इस सम्यक दर्शन का अवसर आने पर भी सम्यक दर्शन नहीं ले पाए, उनसे अच्छी बात करो तो भी दुखी रहेंगे, बुरी बात में तो दुखी रहेंगे ही। आपने देखा कभी कभी अपन किसी प्रशंसा करके उन्हें खुश करना चाहो तो अभी उन्हें दुखी होने की आदत हो ना, हाओ मस्का लगा रहे तुम, भैया हम तो ये चाह रहे तुम किसी तरह खुश हो जाओ। कई बार नहीं होता दोस्तों में कि अपन किसी खुश करने की कोशिश कर रहे, लेकिन बार रोना है तो रो ही गई, अपन ने कहा भैया तुम बहुत अच्छे हो, हाँ हम सब जान रहे तुम झूठी झूठी बोल रहे, तो दे मिला के दो और जा रो ले। और क्या करेगा बता, माने जिसको रोने का उदय होता है, दुखी होने का उदय होता है, शोक संतप्त होने का उदय होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूँ आपको, घर में खाने की कमी नहीं, गहनों की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, बोलो ऐसी महिला दुखी होगी कि नहीं होगी, जैसे पूरी कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि प्रेम में भी कोई कमी नहीं, ससुर अच्छे प्रेम करते हैं, सास अच्छे प्रेम करती है, घर में 10-20 नौकरानी भी हैं, कच्चू काम नहीं करने, खूब खाओ पियो मजे से रहो, खूब घूमो फिरो, इतना अच्छे तो मेरे को मुश्किल है लेकिन मिल जाता है मान लो, तो अब तो शोक का उदय नहीं आएगा नहीं, अब तो दुखी नहीं होंगे ना जी। लेकिन सुनो, तीन लोग की संपदा मिलने पर भी शोक कसाय का उदय हो तो उसे वही वही दिमाग में घूमता है, ध्यान रखना, जैसे अभी अपन विचारों की बात करते हैं ना, तो शोक संबंधी विचार चलते रहे, हास्य संबंधी विचार चलते रहे, वेश संबंधी विचार चलते रहे, तो ये ऐसे इसके शोक की फ्रिक्वेंसी चलती रही। अब काय से दुखी होगी तुम बता दे रहे, बहुत सिंपल, अब तुम्हें लगता है वो दुखी होना चाहिए, खाने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, पति की कमी नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं, गहनों की कमी नहीं, पूरे घर में काम धाम का भी टेंशन नहीं, और अरबों पति पार्टी, बोलो पत्नी दुखी होगी कि नहीं, नहीं होना चाहिए ना। यहाँ कह रहे हो रहे क्यों, उसका कारण समझो जरा, कि देरानी और जेठानी, सरल दृष्टांत दे रहे हो, देरानी जेठानी और दोनों के पप्पू 3-3 साल के, और तीनों दो ही जने में एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही स्कूल में नर्सरी में, अब दोनों के रिजल्ट आए, अब नर्सरी के रिजल्ट से आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। नर्सरी के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होगा किसी को, क्यों क्या क्या तुम देख तो नर्सरी की रिजल्ट रखो ना, नहीं रखो अगर हम आप भी नहीं रखो। तुम्हारी रखी मानसी नर्सरी में रखे रहा थोड़े दिन। अब 3-3 साल के बच्चे, तो जैसे उसका बच्चा दौड़ता दौड़ता है, अपना बच्चा दौड़ता दौड़ता है, क्यों बेटा क्या रहा रिजल्ट, मम्मी 95%, हो आई लव यू आई लाइक यू, बहुत बढ़िया, बड़े प्यार किया उसके ऐसे ऐसे, बड़े उसको गले से लगाया ऐसे ऐसे, और फिर उसने देखी रैंक कौन सी आई, सेकंड, फिर खुश हुई, कोई बात नहीं चल सेकंड रैंक बनी, कोई बात नहीं सेकंड, इतने में दूसरा भी आ गया, तो उसको पूरी आशा थी फेल हो गया, तुम कैसे हो बेटा, मैंने सिंपैथी के साथ,
आपका रिजल्ट कैसा रहा? अब उसे देखा 99, अब करंट लग गया, अब इस रिजल्ट का पूरा मजा खत्म हो गया। अब अभी अपना पप्पू कितना प्यारा लग रहा था, अब शौक का उदय छा गया। तू मत पढ़, हजार बार गई थी ये फॉर एवर लिख रहा था। अब इसका 99 का रिजल्ट देख करके अब घर में क्या कमी है इसके बताने। और अभी किसी ने इसको डांटा है, टोका है, किसी ने इंसल्ट करी है, क्यों नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मोहल्ले में कि तुम्हारा पप्पू कमजोर है, उसका पप्पू तेज, ये भी नहीं कहा किसी ने। लेकिन आप भैया आप भैया आप भैया अब रोटी बना रही है, उसके पप्पू को देख देख के परेशान है। इतने में ही जिठानी ने अपने पप्पू से कहा, बेटा जरा पोछा लगा देने बेटा, जरा थोड़ा सा पानी के, नहीं लगाएगा पोछा, पोछा लगाने से नंबर कम होते हैं। सुन बड़ी मम्मी कुछ भी बोले काम नहीं करेगा, तू आज से पढ़ाई कर, पढ़ाई 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 जब देख जब पढ़ाई बस करो। मैं वो जब वो 4 साल का, वो 3 साल में पढ़ने गया था ना, तो 4 साल का हो गया, इस 1 साल में उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी 4थे साल के बाद से जिंदगी भर तकलीफ हुई। वो जरा बेचारा खेलो दो मिलाकर जो ही तो सेकंड रैंक आती है, जरा बेचारा सो जाए खाए पिए खेले कुछ करे दड़ा। वो सोचे समझ में नहीं आई मम्मी है कि डाका। 95 से पास हो रहे हैं और कहां चाहिए। हालांकि बच्चा सही बताया 95 भी नहीं समझता, वो फर्स्ट सेकंड रैंक भी नहीं समझता, लेकिन वो बेचारा पिटू परेशान हो। अब इसको शोक संतप्त है, अब ये अपने बच्चे को दूध दे रही है, जिठानी बच्चे को दूध दे रही, तो पक्की बात है दूध की मलाई अपने बच्चे के गिलास में जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी 95 आए, मुझे तो है पहले से ज्यादा, इसे मलाई खिलाने से कोई 100 थोड़ी कराने इसके, तो उसकी मलाई इसमें जाने लगी। अब देखो ये शोक संतप्त है परेशान। अब बच्चे ने दूध पिया, मम्मी जी मलाई तो मलाई नहीं जाने, खा रहा है कि नहीं खा रहा, मलाई खाने से बुद्धि आती है। अब बच्चा अभी भी तक नहीं समझ में आएगी कि कौन सा गरीब मिथ्या था कि मलाई खाने से फर्स्ट पास हो रही। मैंने इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम दिया कि किसी भी घर में मिल जाएगा ये, अंबानी से लेकर के अपने भिंड नगर तक। इतनी इतनी सी बातें जैसे एक सुनाई है, ऐसी कितनी बातें हो जाएंगी। दोनों पप्पुओं का वजन किया, अपना पप्पू 1 किलो कम। अब वही वही चिंता रहेगी, खाते पीते खिलाते, घी खा मलाई खा फला खा। अरे बहुत सिंपल है, जब तुम्हारा पप्पू तुल रहा हो तो 2 किलो जूता पहना देती, कोट पहना देती, रजाई उड़ा देती, अपने आप वजन ज्यादा हो जाता। लेकिन हम खैर परेशान है बहुत। मैं क्या कह रहा, शौक करना हो, अब बोलो अच्छी टेक्निकल भाषा बोलो, जो ज्ञान घीयों में से सुख ढूंढता है उसे शोक संतप्त रहना ही पड़ेगा। क्या बोला? जो ज्ञान घीयों के भरोसे सुख ढूंढ रहा है उसे शोक संतप्त होना ही पड़ेगा, और जिनका ज्ञान गायक के आश्रय से आना है उन्हें कहा भी शोक संतप्त होना। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है, चला जाए हमारा क्या ले जाए। बढ़िया फंडामेंटल है, जोरदार। अब लगा लेना आप ये कि कोई भी चीज है आप उससे दुखी हो गए, बहुत परेशान है जगत, पूरा जगत परेशान है। आप चाहे जो आप दृष्टांत कहीं चाहिए हो तो हमसे बोल देना, उतने दृष्टांत दे देंगे आप। दुकान के भरोसे आप दुखी रहोगे, दुकान में पहले नोटबंदी हो गई फिर GST लग गए, अब दुखी है सर। देखो अब चल रही हो तो परेशान, नहीं चल रही हो तो परेशान, कम चल रही हो तो परेशान। और ज्ञानियों को देखो आप, ज्ञानियों को दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया, बड़े खुश बैठे, बोले आज हम निरंतर स्वाध्याय किया हमने, वो दुकान नहीं चली तो क्या हुआ, आज 12 घंटा हमारी दुकान चली, खूब मस्ती स्वाध्याय करे। दूसरी दुकान खूब चल रही थी, उन्हें दया आ रही थी, ये बिचारे इन्हें 1 मिनट फुर्सत नहीं है आत्मा जानने के लिए। अच्छा ये क्या कर रहे, तुम्हें व्यस्त रहो हमें नहीं कर।
ज्ञानी धर्मात्माओं को अभी पढ़ो आप, कितने सुंदर सुंदर ज्ञानी धर्मात्मा हुए। ऐसे अच्छी अच्छी घटना, ये घटना सुना रहा हूँ आपको, इतने मड़ावरा की घटना है, मड़ावरा की और भी जगह की, बरगो सागर की भी कई जगह धर्मात्मा है, लेकिन हम सुना रहे हैं आप। सुबह बस दुकान कब खोलते थे, 11:30 के बाद 12 बजे दुकान खुलती थी, 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे उठते, सामाई करते, निश्चिंत होकर बढ़िया आराम से नहा धो के कुएं का पानी भरते, फिर अपने मंदिर जाते, मंदिर की द्रव सामग्री धोते, सारा काम करते, पूजा प्रक्षाल करते, आराम से फिर पूजा करके स्वाध्याय करके आराम से 10 बजे घर आते, भोजन करके 11:30 की सामाई करते, सामाई करने के बाद दुकान खोलने जाते। फिर उनका एक नियम था कि हमारी 100 रुपए की बिक्री हो जाएगी, मतलब एक प्रॉफिट था नक्की, इतने प्रॉफिट तक 10 रुपए का प्रॉफिट सही मान लो उस जमाने में, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम दुकान बंद कर देंगे, और नहीं तो 4 बजे तो दुकान बंद कर ही देंगे। अब दो नियम कौन से भी हो गए, 4 बजे तक या 10 रुपए के प्रॉफिट होने तक। आप कल्पना कर सकते हो उनकी दुकान कभी 4 बजे तक भी नहीं खुली, क्योंकि 10 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाना था उनको, 10 रुपए का नेट प्रॉफिट, तो उनकी दुकान पर 12 बजे लाइन लगी मिलती थी। वे खोलते थे फटाफट, उन्होंने 1-2 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर कपड़ा बेचा, 10 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, ताला लगाया। अब ग्राहक आ रहे, सेठ जी हम गांव से आए, हमें दे रहे, अब कल आइए, अब कल आ रहे आपको। राशन की दुकान से भी बढ़ के दुकान चलती थी उनकी, और लॉक करके अपने घर गए, 4 बजे गए, 5 बजे भोजन करा, फिर शाम की सामाई करी, रात की स्वाध्याय करी, आराम से सो गए। वो लिखा है उनके जीवन में इतना अच्छा प्राणांत हुआ कि ऐसा प्राणांत कभी मुनियों के भी देखने को नहीं मिला, इतनी अच्छी समाधि हुई, एकदम शांत, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बड़ी आराम से भक्ति। अब ये पूरे जीवन आनंद से रहे उनकी बात है, अब जब तुम्हें 2 के 4 करने हैं, भावताव करने हैं, भावताव करने वाला सुखी हो सकता है दुकान? अब तुम्हें दुखी होना है भावताव की, तुम अरे एक लिख दो फिक्स रेट खत्म, टाइम से दुकान बंद करो छट्टी भाई, ना ग्राहक आया कह रहे तुम्हारी बिक्री कम नहीं होगी, ये कह रहे हैं हम, लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे आपके यहाँ, लेकिन वो भरोसा नहीं है, दिक्कत तो जाए। मोए को भगवान का भरोसा नहीं होता, क्या बोला मैं, क्या बोला, क्या बोला, क्या तुम बोलो, खड़े हो गए, बोलो बोलो, डरा नहीं, बोलो बोलो, हाँ हाँ अच्छे बोल, सही बोल रहे, गड़बड़ा कर रहे, बोलो बेटा श्रेष्ठ, हाँ मोए को भगवान तक का भरोसा नहीं होता, कर्मों का भरोसा नहीं होता, आपने की का भरोसा नहीं होता, क्या कह रहे, भयंकर दुखी आदमी का नाम है वही। हमें तो बहुत सूझ रही है, पूरी नहीं सुना रहे तुम्हें अभी, तुम्हें अभी भी यही लगता है हम करके खा रहे हैं तो खा पा रहे, नहीं तो खा ही नहीं पाते, व्यवस्था नहीं करेंगे तो रोटी कैसे मिल जाएगी, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी, कर्मों का काम है डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, इस देह को रहना हो तो कर्म डिपार्टमेंट व्यवस्था करेंगे भोजन की, हम जंगल में रहेंगे। हम अभी कह रहे दिन भैया से, भैया अपन तो मुनि बन जाते 1 दिन जंगल में नहीं आएंगे, शहर में कहूं नहीं आएंगे, काहे इतनी मोटी सड़क बा गर्म गर्म, बिल्डिंग की दीवारें वहां में लोहा सरिया हो जैसे आरे आरसी, बेगर्मा गर्म गलियां, बेगर्म पानी कहीं है ही नहीं, वहां में ठंडक को नामो निशान नहीं, ऐसे लग रहे ओवन में से आ रहे हो, नहीं गर्मी नहीं क्या, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, अब गर्म ही गर्म बता, लेकिन अब क्या करें, वो ही तो बेचारे यही रहे, वो क्या करें, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस देह को चलना होगा, इसकी रोटियां जंगल में लिखी हो, पढ़ो आप पुराण पढ़ के देखो, एक दिगंबर मुनिराज प्यार कर रहे थे, अब संयुक्त से रेगिस्तान में फंस गए, रेगिस्तान में, अब उनकी तिथि हो गई वो चतुर्मास की, अब ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, तो रेगिस्तान में वही विराज गए एक वृक्ष के नीचे, और एक वृक्ष के नीचे विराज गया ध्यान मस्त, अब घूमने रहे भैया अब क्या हुई, अब क्या हुई, ऐसे कैसे, एक कोई को बुलाओ शरावक को, वहां से लोग निकल रहे थे तो कोई से नहीं कहा भैया अब हम यही है भैया चतुर्मास, कोई कह दिए शरावक से,
कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बैठे अपने साथ। वहीं से ये निकले अपने भामंडल, भामंडल की सेना निकली, वहीं से निकली। निकलते समय देखा कि देखो इतनी सेना निकल रही थी तो भी उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा ये सेना निकल रही, श्रावक निकल रहे, कोई तो जैन हुई इनमें, कोई अजाय हमारे पास कुछ नहीं, बैठे रहे। अब जब भामंडल थी तो मुनिराज दिख गए तो नमोस्तु करने आए, नमोस्तु करने पर भी आंख नहीं खोली, कुछ नहीं बोली उनसे। अब नमोस्तु करने के बाद में जाने को हो गए, प्रवचन तो हुए नहीं, पैसे नहीं हुए, प्रवचन नहीं हुए कोई, और जाने को हुए। अब जाते जाते उन पैर ठिटक गए कि चातुर्मास को समय होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने चातुर्मास का संकल्प यहीं कर लिया हो, क्या होगा। सुनो, तत्काल उन्होंने ऑर्डर किया, सुनो यही नगरी बनाओ, 4 महीने यही रहेंगे हम मुनि भगवंत की सेवा करेंगे, 4 महीना वही रहे। अब बताओ भैया, कर्मों ने व्यवस्था मिलाई कि उन्हें दौड़ दौड़ के व्यवस्था मिलाई। अभी भी लेकिन भरोसा नहीं होता, भरोसा भरोसा फिर कह रहे अच्छे से स्वाध्याय करो, अच्छे से निर्णय करो। समझ आई बात, सच कह रहे हैं, एक सेकंड भी शरीर का लक्ष्य करके सोचने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाएं मिलाने से नहीं मिलती हैं, व्यवस्थाएं तुम्हारे मिलाने से बिल्कुल नहीं मिलती हैं। दो बार क्यों कह दी बात कि जब पाप का उदय होता है ना तो अंबानी शक्कर नहीं खा पा रहा, कहीं नहीं खा पा रहे। जब पाप का उदय होता है ना तो तुम घी नहीं खा पाओगे, डॉक्टर जी कह रहे हो ना है। अब बोलो तुम्हें मिलाने से खाओगे, बोलो उदय का विश्वास करो, बस अपने को ग्राह देखो। समझ आ गई मैं, ये ध्यान रखना, आपके चाहने पर कसाई होती है, आपके चाहने पर उदय होता है, आपके चाहने पर जितनी पर्याय मिलती है वो आपको चाहने से मिलती है। तो हास कभी मत इच्छा करो, हास की रति की इच्छा मत करो, अलति की इच्छा मत करो, शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक ये सब लगा लेना, इनकी इच्छा मत करो। अब एक इसमें स्त्री भेद की चर्चा आई, हमें पंडित साहब की बातें याद आ रही इसलिए पहले बोल ले रहे, स्त्री भेद की जानबूझ के ले रहे पहले ही नंबर। पंडित साहब ने बड़ी करुणा से कही थी, भिंड में भी कही और मोहामाइन में भी कही एक बार, तो हमें याद है वो बात, बहुत ही माल में खींचते हम अभी कह रहे। जो आत्मकल्याण करने के नाम पर प्रतीक्षा करते हैं, अनुकूलता की प्रतीक्षा करते हैं, वो स्त्री लिंग का बंद करते हैं। फिर से बोल देता हूं, जो आत्मकल्याण के नाम पर अनुकूलता की प्रतीक्षा करते हैं वे स्त्री भेद का बंद करते हैं, ऐसे पंडित साहब। तो पंडित साहब ने इसको प्रूव किया कि देखो स्त्री की जाति कैसी है, जन्मते से ही उसको माता पिता के अधीन रहना पड़ता है, माता पिता की आज्ञा के बिना मंदिर नहीं जा सके, माता पिता की आज्ञा के बिना बाजार ना जा सके, मेला नहीं जा सके, कोई घर जाना तो माता पिता से पूछो, और बड़ी हो जाए शादी हो जाए तो पति की आज्ञा के बिना कहीं ना जा सके, खरीदी करना हो तो पति से पूछना पड़े, कोई चीज लाना हो कुछ भी काम करना हो उसे पति की आज्ञा के बिना नहीं होना, पति की रोटी भी खाना हो तो पति की प्रतीक्षा करो, कुछ काम हो तो पति की प्रतीक्षा करो। फिर ये भी बुजुर्ग हो जाए, पति एक्सपायर हो जाए तो उसे कहीं तीर्थ यात्रा करना, बेटा बहुत दिन हो गए हम तीर्थ नहीं गए, बेटा अब हमारी व्यवस्था कर दो हम तीर्थ कर गया, मतलब उसे बेटे की भरोसा, उसे बेटे की आज्ञा की प्रतीक्षा, पति की आज्ञा की प्रतीक्षा, पति पिताजी की आज्ञा की प्रतीक्षा, मैंने उसका पूरा जीवन प्रतीक्षा में जाता। रात में सोना भी हो 10 बजे नींद आ रही 9 बजे और पति नहीं आ रहा तो इंतजार कर रही, दरवाजे लग जाएगा फिर पता नहीं गहरी नींद लग गई तो क्या होगा, तमाम बातें, घर में कोई खोलने वाला नहीं हो तो रात रात 12 तक जगती है, बैठी बैठी भाई उंगत रहे भले, लेकिन पति की प्रतीक्षा के बिना सो नहीं सके। उन्हें इतना पंडित साहब ने घटित करके बताया कि पूरा जीवन प्रतीक्षा में जाता है। तो पर पंडित साहब ने ये बात कही, अपने जीवन में आज परिणाम पकड़े तो आज काम कर ले, आधी रात को 3 बजे नींद खुल गई हो और नींद नहीं आ रही हो तो जे मत सोचो कल सुबह पढ़ेंगे, जब अनुकूलता हुई तब पढ़, तुम 3 बजे उठ के पढ़ लो, माला फेर लो, तुम्हें इच्छा हो रही भगवान का चिंतन करना कर लो, आप तो प्रतीक्षा मत करो जिंदगी में, कभी प्रतीक्षा मत करो, दान देना है आगे भाव तो दे लो, प्रतीक्षा मत करो, तत्व का निर्णय करने की इच्छा तो कर लो, प्रतीक्षा मत करो, हर चीज में प्रतीक्षा घटाओ। प्रतीक्षा की बात आई तो पंडित साहब एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते, चारू दत्त का, चारू दत्त वैश्यालय में चला गया
उसके माता पिता ने बहुत कोशिश करी कि वो घर आ जाए, बहुत कोशिश की, पढ़ लेना पुराण में चार गत में, बहुत कोशिश, लेकिन नहीं आए वो। तो आखिरकार पिताजी निराश हो गए, एक ही बेटा था और उसका मुंह नहीं देख पाए, 12 बरस हो गए, हम तो अब जा रहे, दीक्षा ले रहे, आत्म कल्याण कर रहे, अब हम बच्चे के मुंह में नहीं पड़ रहे, वो बेसियाले से आए नहीं 12 बरस, तो वो दीक्षा लेने को जाने लगे। तो पत्नी रोने लगी कि सुनो, इच्छा तो हमारी भी है कि हमारे आरजी का बन जाए, इच्छा तो हमारी भी कि हम आत्म कल्याण करें, लेकिन एक बार बस बेटे का मुंह देख लें, बेटा बहू सुख से रहे, फिर अपन चले, थोड़ा इंतजार और कर ले। तो वो जो डायलॉग दिया वो चारुदत्त चरित्र को पढ़ने लाए। चारुदत्त पिताजी बोले, चारुदत्त के पिताजी, ये देख अपन तो बेटे की प्रतीक्षा कर लेंगे लेकिन मृत्यु अपनी प्रतीक्षा नहीं करेगी। समझिए क्या कितना बड़ा डायलॉग बोला है, मृत्यु ऐसे नहीं करेगा, अरे चलो चलो अब मोड़ा को मुंह देख लेंगे रुक जा रुक जा थोड़ा, अबे कहा हो जान भी थोड़ा, कोई नहीं करेगा। बोले मृत्यु मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी, इसलिए मैं बेटे की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। और आखिरकार मोह को तोड़कर आत्म कल्याण करने के लिए मुनि बन करके जंगल में चले गए। हम अभी ऐसे समय में आपको क्या कहानियां सुनाएं, चाहे वो सीता का चरित्र हो चाहे लवकुश का हो, लवकुश ने प्रतीक्षा नहीं करी। पिताजी रामचंद्र जी लक्ष्मण की डेड बॉडी लिए घूमते हैं, लवकुश अरे अब क्या करें, पिताजी कब होश में आएंगे, कब उनसे प्रतीक्षा माने आज्ञा लें, पिताजी हम दीक्षा ले रहे, अच्छा जाओ दीक्षा लेने चले, अरे सोचा घर में अनुकूलता हो जाता, सीता अनुकूलता बने तब जाए, नहीं आज हमारा कलंक धुल गया, कल पता नहीं कौन सा कलंक लग जाए, इतने हजारों वर्ष बीत गए हमारे कलंकों में, नहीं 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 आज हम निर्दोष साबित हो गए, सारी दुनिया हाथ जोड़े खड़ी है, रामचंद्र जी हाथ जोड़े खड़े, हे सीता महल को पवित्र करो, अभी ये समय हमें अनुकूलता का है, अब दीक्षा लेने चले जाओ, दीक्षा लेके चलिए, पढ़ना आप कितने ग्रंथों में से ऐसे। हमारा मतलब है कि जिस दिन, और एक और बात सुन लो, मैं कई बच्चों के ऊपर घटा चुका हूँ इस बात को, आज मुझे उनपे दया ही आ रही, केवल बस ये कह रहा हूँ उनपे दया ही आ रही है। समय रहते हुए मैंने उन्हें चेताया था, देखो बेटा ये हुंडा सर्पनी काल है, इसमें रुचि घटेगी, क्रम क्रम से विशुद्धता घटेगी, क्षोभसम घटेगा, संयोग घटेंगे, पवित्र संयोग घट जाएंगे, तुम्हें आज रुचि लगी तो आज कल्याण कर लो, कल के इंतजार मत करो। हमने देखा है आज बुरी हालत है, समय रहते नहीं चेते, आज जितनी रुचि कल इतनी भी नहीं रहेगी, देख लेना आप प्रैक्टिकल अपने अपने जीवन में, पहले साल पूजा में जितनी रुचि थी इस साल कम हो गई होगी, देख लेना आप, पहले प्रवचन में जितना रस आ रहा था उससे कम हो गया होगा, देख लेना आप। इसलिए यदि आज आपका रस उछल रहा हो आत्मकल्याण का, तो आज ही करो। हम तो यहां तक कहते हैं भैया यदि तुम बिस्तर में लेटे हो, दाई करवट बाई करवट बाई करवट लेटे हो, तो दाई करवट की भी प्रतीक्षा मत करो, वहीं सम्यक दर्शन कर ले। हमारा मतलब बहुत सोचना अच्छी तरह शांति से, तो एक प्रतीक्षा का काम नहीं करना। फिर इसमें एक बात लिखी है, जो महिलाएं बहुत श्रृंगार आदि करती हैं, मैंने उनको स्त्री पर्याय बहुत अच्छी लगती है, जब देखो जब अपने दर्पण में देखती रहे और ऐसे खुश हो हाँ मैं कितनी सुंदर हूँ, और स्त्री पर्याय ही उन्हें अच्छी लगती है, तो उनकी स्त्री पर्याय का छेद नहीं होने से स्त्री पर्याय मिलती चली जाती, स्त्री पर्याय मिलती चली जाती है, ओ अपने को आत्मा देखो स्त्री नहीं है, और स्त्री बने रहना अच्छा नहीं है, स्त्री की पर्याय को धिक्कार है, सुखी होने के नाम पर पति का आश्रय करो, फिर पति चला जाए तो विधवा हो जाने का दुख, पूरे जीवन दुखी दुख। सुनो अनंत काल में हमारा स्वामी कोई नहीं है, निश्चय से हमारा आत्मा ही हमारा स्वामी है, व्यवहार से कहा जाए तो पंच परमेश्वर ही हमारे स्वामी है, हमारा कोई स्वामी नहीं होगा। ये स्त्रीलिंग छेदने की विधि, जे बस सोचे बेदुखी है, बेदुखी नहीं है, हमारा भी दुखी होने का नंबर, एक न एक दिन दुख का नंबर आ जाता है सबका, और है तो सभी वर्तमान में दुखी, लेकिन एक न एक दिन भयंकर दुख आता है, उस दिन के बाद पूरे जीवन मैं सुनाऊंगा आपको तो दुख बर्दाश्त नहीं होता, पूरे जीवन सहना पड़ता है। बेटे से अपना अपमान हो जाए, उस माँ से पूछो कैसा लगता है जीवन भर, पति गुजर जाए फिर उससे पूछो कैसा लगता है उसे जीवन भर, एक लड़की अपनी भाग जाए किसी अन्य जाति के सामने साथ, फिर उससे पूछो जिंदगी भर क्या बीतती है,
अपना जीवन जवान पुत्र गुजर जाए कि ऐसा लगता है। आप देखो जरा घर घर में जाकर, इससे पहले कि कोई विपत्ति आए, अनुकूलताओं में खराब शब्द तो है कि गर्राओ मत, अच्छी भाषा में कहे तो अपना आत्म कल्याण का और कोई रास्ता नहीं। एक और लिखा है इसमें स्त्री के बारे में, जो पुरुष लोग स्त्रियों के अभिनय करते हैं, स्त्रियों के कपड़े पहनने में अच्छा लगता है, स्त्रियों का श्रृंगार देखने में अच्छा लगता है, और वे सोचते हैं अरे इनके भाग देखो कितने कलर के कपड़े, कितने डिजाइन के कपड़े। पुरुष बेचारे एक टी शर्ट और एक जीन्स, बेचारा उनके भाग में बस दो ही चीज है और कचू है ही नहीं, बस एक ही जाति की जीन्स पहने दो और एक पोलका सो पहन लो और नहीं तो क्या कहलाती हो शर्ट में दो चार जोड़ी की ढंग की बात, और ज्यादा कचू डिजाइन नहीं। तो जिन पुरुषों को ऐसा लगता है ना, महिलाओं कितने बढ़िया भाग है, कितने कितनी डिजाइन है, कितने कपड़ा, कितने गहने, कितने आभूषण। थोड़ी देर पहले ही कह चुके हैं तुम्हें यदि वो अच्छा लग रहा है तो आपका स्त्रीलिंग में चले जाओ। अब एक खतरनाक बात कहता हूँ, टाइम हो जाएगा फिर, एक खतरनाक बात कहता हूँ, सभी से कह रहा हूँ, जो स्त्रियां हैं वे स्त्री बनने के चक्कर में नहीं रहो, जो पुरुष हैं वे भी स्त्री बनने के चक्कर में मत रहो। उसका कारण, क्योंकि ये जो सुंदर स्त्री की देह दिखाई देती है, पुरुष की देह दिखाई देती है, ये तो मुश्किल से आपको 8 बार स्त्री और 8 बार पुरुष की मिलेगी। कब? जब मैक्सिमम पुण्य का उदय होए, तो 3 लोक में सर्वाधिक पुण्य का उदय हो आपका, तो 8 बार आप स्त्री और 8 बार पुरुष बनोगे। बाकी 8-8, 16 बार जो स्त्री पुरुष बनते हैं वो पेट में ही गिर के मर जाता है बच्चा, 16 बार नपुंसक बनता है वो किसी काम का नहीं है। हमारे काम का है नपुंसक काम का नहीं, तो स्त्री और पुरुष का काम का मान लो, उसमें से 8 पुरुष का है वो मोक्ष जाने के काम का है डायरेक्ट, और स्त्री के पर्याय हो तो सम्यक दर्शन और पंचम गुण स्थान लेने के लायक है। लेकिन यदि हमें भोगों की रुचि हो, श्रृंगार की रुचि हो, शरीर की रुचि हो, सब महिलाओं में मैं नंबर 1 दिखती हूँ, बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं और सबको हरा दूंगी, मैं जीत के रहूंगी, मैंने जो प्रतियोगिता है क्या स्त्रियों संबंधी, ऐसी भावना करने वाली स्त्रियां, इस भाव में तो स्त्रियां हैं ही, अगले भाव में भी स्त्रीलिंग का छेद नहीं करने से हम कह नहीं सकते, बोलो कैसे कहेंगे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो, त्रियंश गति में भी स्त्रीलिंग होता है, नागिन, कुतिया, गधी, छिपकली, मेंढकी, जाने कितनी, आप एक ही पर्याय में जाके देखो। इसलिए स्त्री पर्याय की कामना कभी मत करो, नहीं तो इन पर्यायों में जाकर स्त्री पर्याय मिलेगी, ओहो कैसी पीड़ा है वहां, आप जाकर के देखो। ऐसे विचार करने से अपने को वेद का कर्म का बंद नहीं करना चाहिए, जो इसमें लिखी है बाद में पढ़ना आप। फिर और चर्चाएं भी हैं, आप पढ़ लेना, अभी टाइम हो रहा है, नहीं तो हम और पढ़ के सुनाते हैं आपको, इसमें से पढ़ के देखना, मतलब हास रति अरति, बस एक ही बात इन्होंने बोली है। जैसे भयभीत, भय कसाय क्यों उत्पन्न होती है? अब इसमें तो मुझे बहुत इच्छा हो रही है, अच्छे जरा ज्यादा टाइम लेके पढ़ाऊंगा, 3 मिनट में तो क्या पढ़ाए इसके लिए, कहता हूं 2 मिनट में ही कहता हूं, 2 मिनट है तो अपने पास सुनना ध्यान से सब लोग। हाल का जन्मा हुआ बालक किसी से नहीं रहता, यदि उसके पास सर्प आ जाए ना तो सर्प का भी मुंह पकड़ लेगा, इतना निर्भय होता है वो। बिच्छू आ जाए ना तो बिच्छू पकड़ लेगा वो, कुत्ता हो बिल्ली हो तो बाकी मुंह में उंगली दे देगा वो, मतलब बच्चा इतना निर्भय होता है। लेकिन माता पिता उसे भय सिखाते, मैं कुछ कह रहा हूं, आप अपने बच्चे को साहसी बनाओ, वीर बनाओ, भयभीत मत बनाओ। भयभीत होना और भयभीत करना, आप जिंदगी में भय संज्ञा नहीं छूटेगी आपकी, और भय संज्ञा सबसे ज्यादा नरक में होती है। 24 घंटे भयाक्रांत, सबसे ज्यादा भय संज्ञा नरक में होती है। इसलिए बच्चों को भयभीत नहीं बनाना और खुद भयभीत नहीं होना, तो फिर बच्चों को क्या करें। मैंने लिखा है उसमें, मैंने पढ़ाया, जिन्होंने पढ़ा होगा मैंने उसमें लिखा है, बच्चों में निर्भयता होती है इस गुण की रक्षा करते हुए उन्हें सावधानी सिखाओ। जैसे बिजली के तार में हाथ ना डाले तो उसको ऐसे सिखाओ कि वो भय भी ना करे और सावधान भी रहे। आप बच्चे को ऐसे नहीं करो, हाउ का खाज है
अब आपने देखा ना, आप बच्चे को जैसे बच्चा छोटा सा हुए एक डेढ़ दो साल का, तो आप उसे भूत की स्टोरी सुना हो तो हंसेगा, वो डरेगा नहीं बिल्कुल, लेकिन सुनाने वाले बोल के भाई भूत आ गया। तो आप ये डरी हुई आंखों से सुनाते हो ना, और ऐसे करके सुनाते हो तो बच्चा भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल लाल और इतनी बड़ी जीभ, मुझे डराने का सिस्टम है। पुलिस वाले आ जाए, पुलिस पकड़ लेते, बाबा पकड़ ले जाए, बाबा हम क्या अब दो मिनट में इतने समझा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। कई बार बच्चे सपने देखते हैं, रात को सोते सोते घूमते एकदम से डबरा, तो अब मानने लगे हाय बांध दे, खुद डरपोक। देख वो डरपोक नहीं है, फिर कह रहे वो डरपोक नहीं है। एक काम करो, यदि आपका बच्चा हो डेढ़ दो साल का, मेरे सामने बिठाओ, मैं उसे हंसते हंसते भूत की कहानी सुनाऊं, वो ताली मार के सुनेगा। अब उन्हें ऐसे सुनाऊंगी, मतलब स्टाइल जो होती है ना वो ऐसे नहीं होने चाहिए। हम पापा से क्या है, पापा से पिटवाएं। अब पापा के लिए उसने क्या कर दिया, क्या गलती कर दी, ये बता रहा हूं। अभी तक बच्चे को पापा रिस्पेक्टफुल थे, रिस्पेक्टेड पर्सन थे, अब वो पापा यहां से देख रहा हो काय पीटेंगे। अक्सर हम भोजन करने जाते हैं घरों में, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हे पंडित जी आ रहे, पंडित जी चुप बैठ गए चुप। तो अब जिस स्टाइल से बोलते हैं तो उससे ऐसा लगता है डरावना है कोई, पंडित जी मैंने कोई डरावना नहीं। तो और जैसे हम गए उससे चुपचाप बैठा, तो अब भोजन हो गया, अब वो देख रहे गौर से वो चुपचाप, बिल्कुल शोर बोल नहीं किया उसने। फिर हम जब भोजन कर चुके, सुनो पंडित जी सुना, जल्दी पंडित जी के पास आप पैर छुओ, जल्दी करना जल्दी नमकर्म सुनाओ। अब वो नमकर्म कविता सुनाओ, कविता मछली जल की रानी है। अब कचे देखो कैसे सुधरो बन रहा, वैसे इतो गाय हो इतो चिल्लाए हो, अब नहीं बोल रहा। हम समझ गए, हम समझ गए, तुमने उसकी नजर में हमारी तस्वीर डरावनी खड़ी कर दी। कभी ऐसे मत करो, बाबा जी पकड़ ले जी, पंडित जी आई हम पिटवाए तुम्हें, हम तुम्हें उनके संग भेज देंगे, ले जाओ ले जाओ पंडित जी जा ले जाओ। अरे भैया मैं तुम जैसे सोच रहे वो बच्चा की दिमाग में तुमने ये तस्वीर कर दी, पंडित जी किडनेप करने वाले हैं। आप समझ गए क्या क्या कितनी कितनी देर में, दो मिनट में क्या कह दी मैंने बात। आप भाई करना भी मत सीख, खुद नहीं करो और बच्चों को भयभीत मत करो। आज ही रात को सपने में डर जाए तो भाई मत बांधना जिंदगी में, और हो तो तोड़ दियो आज जाके। तीन तीन धागा काले जन का कौन कौन भूत काय काय की डाल लगे। और फिर अरे सुनाने का तो बेटा, तीन लोक में कोई भी सामर्थ्य नहीं जो तेरे को डरा सके, जिनके मुख पर पार्श्वनाथ भगवान का नाम है। लो हम पार्श्वनाथ की कहानी सुना रहे बेटा, पार्श्वनाथ भगवान की कहानी भी ऐसे मत सुना डरा डरा के। पार्श्वनाथ भगवान का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, अरे उसने इतने पत्थर पड़ के बे नहीं मिले, वहां इतनी गालियां नहीं बे नहीं चाहिए, उन्हें घबराए नहीं बिल्कुल। हाँ और बीच बीच में कहते जाओ ऐसे बेटा तुम अपन नहीं डरा कोई से, ऐसे मैंने समझा। तो बच्चा स्कूल में जाके ऐसे कहेगा हम नहीं डरा भूत भूत से, और नहीं तो हम बच्चे को भूत की कहानी सुने। कई घरों में ऐसा होता है, हम बच्चों से रात को पूछते क्यों कहानी सुनो भूत की, नहीं पंडित जी रात को भूत अच्छे। मैंने ये जो हमने भ्रांति खड़ी कर दी ना, आपने देखा कभी छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं तुम लोग बताना गलत गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, हर स्कूल में पांचवी छठी सातवीं वाले छोटे छोटे बच्चा वो पीपल वालो पेड़ है वो बाप डांक हम रही हमारे बाबू ने देख ली थी रात को 12 बजे बाकी नीचे से निकल गए वो पकड़ लिए। फिर एक लड़का पूछा अपन कैसे पता लगा कि वो डांकन है, अरे उनके उल्टे पैर हो।
और एक दिन मैंने पेशाब कर दी थी वो पेड़ के नीचे, फिर मैं पैर लंबे ही होते गए भैया ऐसे तो हमने आज तक नहीं देखे लंबे हो गए मैंने बहुत ध्यान रखना भय करना भी नहीं और भय सिखाना भी नहीं। ऐसे आपने हमारी प्रवचन की शैली देखी है, हम भय नहीं करते, विकारी वासनाओं की भी भय नहीं खड़ा करते, फिर तुम मर जाएगा तुम नरक चला जाएगा, हमें मालूम नरक के डर से कोई की नहीं होगा। आज तक मेरे प्रवचन में गौर से देखना, मुझे नहीं कहता तुम नरक चले जाओ, नरक चले। हमने इन बच्चों से पूछे कहीं झूठ बोलने वाला कहां जाता है, नरक में, चोरी करने वाला और कोशिश करने वाला सब नरक में जाते, एक ही पार्ट रटो सब नरक में। अब मम्मी 24 घंटे डरा चिंटी मत मार नरक चलोगे, अब वो क्या सुन सुन के कान पक गए, अच्छा नरक भाव हेलवे में नरक, दुलवे में नरक, खावे में नरक, पीवे में नरक, अब चले जाए छठी हो गए। हमारा मतलब बहुत बहुत सेंटिमेंटल चाहिए, हम भयभीत नहीं करते किसी को, हम विकारों से लड़ना सिखाती, विकारों को जीतना सिखाती, भगवान बनना सिखाती कभी भयभीत मत हो। मेरे 4 लाख की कविता है, छोटी सी कविता है, क्या कहला दुकान तो क्या ऐसा कैसे कहला थी, पर हमें जाना नहीं कैसे 4 लाइन में लिख दी हमने। विश्व का कोई भी विकार मेरी सत्ता के सामने खड़ा नहीं, खड़ा नहीं क्यों, कब तक खड़ा रहता है वो, जब तक हम अपनी ओर नहीं देखते तब तक। अब याद नहीं आई लिखी है तो पढ़ के सुना देंगे। कोई भी विकार इस आत्मा के सामने टिका नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। निर्भीक होकर बात किया करो, निर्भीक होकर अपनी तो सोच ऐसी है ये। चलो अब 2 लाइन गाएं, टाइम तो बड़ी जल्दी बग गया, कोई बात नहीं अपन 2 लाइन गा रहे मस्त। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहे हैं, हम मस्त रहते हैं। चला अब कल सुबह की एक सूचना सुनो, बहुत खुशखबरी है जोरदार, हमारे से पंडित साहब पधार रहे हैं, बहुत करुणा है उनको, अपन उनके करुणामृत का लाभ लें। मैं सच कहता हूँ पंडित साहब की निडर वाणी अपने को निर्भय कर देती है। अभयदान किसका नाम है, अभयदान, अभयदान 4 गतियों का भय मिटा दे इसका नाम अभयदान है। हमारी जिनवाणी अभयदान दे दी है, कभी विकारों से नहीं डरना बेटा, कब्बाऊ आतंकित नहीं होना, घबराइयो नहीं, आ जाना। ओम नमः शिवाय।